अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब, आज मैं बनाऊंगी 2 किलो चिकन, और देसी चिकन बनाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इसको ज़रा सॉफ्ट सा बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें जी, बनाना करते हैं स्टार्ट। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड किया। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें एक प्याज बड़ा वो काट के डालूँगी। इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे कि प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए। वीडियो को प्लीज़ सब फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अब मैं इसमें क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और चमचे को हिलाते रहेंगे। चमचे से यानी कि अपने प्याज को हम हिलाते रहेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो देखें जी, हल्का सा हो गया है ये ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 3 से 4 चम्मच ऐड कर लूँगी, बहुत ही होगा। तो बहुत ही आज मज़ेदार बनने वाला है जनाब चिकन, अफ़गानी चिकन। इसको भी हमने अच्छे से भूनना है, 5 से 6 मिनट काफ़ी होंगे। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और अच्छे से हिलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून बहुत होगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करूँगी, और इसको 2 से 3 मिनट तक सोते करेंगे। उसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, 2 टमाटर काफ़ी होंगे मीडियम साइज़ के। उसको काट के मैं इसको इसमें डालूँगी, और इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको भूनूँगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, 2 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। मसाला जनाब हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें चिकन को भी मज़ीद भूनूँगी, कोई 5 से 10 मिनट भुनाई करूँगी इसकी। अब मैं इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और मज़ीद इसको हम भूनेंगे।
ये देसी चिकन दूसरे चिकन की तरह नहीं होता, सो इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा गलने में भी टाइम लेता है, सॉफ्ट होने में भी टाइम लेता है। सो हम हाफ तो इसको ऐसे भून के ही ये सॉफ्ट कर लेंगे, बट उसके बाद हम 15 से 20 मिनट इसमें पानी डाल के भी इसको पकाएंगे मज़ीद, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब मैं इसमें विनीगर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। उसके बाद मैं साथ इसमें सोया सॉस ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद फिर इसको हम भूनने के लिए छोड़ देंगे, इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे हम मज़ीद। उसके बाद मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी, उससे ये बहुत ही खुशबूदार बनेगा। इसमें से ना मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो मज़ीद हम इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से, उसे चिकन ने अब ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सब ये ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी 1 कप, और इसको मैं 15 मिनट काफ़ी होंगे लो फ्लेम पे पकाऊंगी, जब तक इस ये अच्छे से गल जाए। सो ये देखें, ये अब काफ़ी हो ही चुका है सॉफ्ट। तो अब मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और एंड पे मैं इसमें ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। सो हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। तो बताइएगा आपको ये कैसी लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।